10:30 में लास्ट टाइम में भी पहुंचे हैं यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहाँ समय पे पहुंच गए थे। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ जाम जैसा महसूस हुआ तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाम नहीं था, क्योंकि डाइवर्टेड है रूट, तो वहाँ पे लोग उसको पहले से पता है कि इस रूट में जाने से हमको दिक्कतें होंगी और उसके वजह से उसको अवॉइड करते हुए, और चूंकि ये जो यहाँ जो 10th का और 12th का बोर्ड का एग्जाम हुआ है, यहाँ पे केवल दो स्कूल का है, एक केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 का है और एक और कोई स्कूल का है, तो चूंकि ये चूंकि दोनों स्कूल का जो एरिया रेडियस ऑफ जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं 10 किलोमीटर के दायरे के ही रहते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं हुआ है। लेकिन जो दूर के बच्चे हैं मैम, वो बेसिकली जो इंद्रपुरम के होंगे, वैशाली के होंगे या फिर ग्रेटर नोएडा के, उनको आने में मुश्किलें तो जरूर आई होंगी क्योंकि रास्ते में काफी जगह ट्रैफिक थी जी। तो बिल्कुल जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं जो अभिभावक है, क्योंकि 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं, तो पेरेंट्स को इसलिए भी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्हें पता नहीं चला था कि वो अपने बच्चों को एग्जाम पर टाइम से पहुंचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बोर्ड के एग्जाम थे और लोग जिस रास्ते को कवर करने में उन्हें 10 मिनट लगता है, वो रास्ता कवर करने में आज उन्हें 15 से 20 मिनट भी लगे। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे, मुझे ये बताइए कि आप भी आए, आप सुबह आए होंगे, तो आपको भी लगा कि कहीं ना कहीं आज आपकी परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई? जी, आज मुझे आने में करीब 30 से 35 मिनट लग गया। वैसे ये रास्ता हम सोच के आए थे कि करीब 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन दो तीन जगह हमें जाम का सामना करना पड़ा। करीब जैसे गौर सिटी 2 से मैं निकलता हूँ, वहाँ आगे जाने के बाद में दो तीन जगह मैंने देखा कि काफी जाम था और वहाँ पे हम इतनी देर तक फंसे रहे, जिसकी वजह से मुझे कम से कम लगता है 10 से 15 मिनट ज़्यादा टाइम लग गया, और थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे समय पे, लेकिन फिर थोड़ा समय के बाद में जाम ठीक होने लगा था। आपका बच्चा, आपकी बेटी है 10th स्टैंडर्ड में और अभी एग्जाम दे रही है, और अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा एक डर का माहौल आ गया था, क्योंकि मैं जो सोचा था मैंने कि 10 से 15 मिनट में मुझे पहुंच जाऊंगा, वो मुझे कम से कम 25 से 30 मिनट ज्यादा लग गया। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डर भी बैठ गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची का पेपर छूट जाए। जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि आज ऐसा तो नहीं, जाम अगर मैं ज्यादा देर लग गया तो डेफिनेटली लेट हो जाता मुझे आज, और फिर मुझे दिक्कत तो होती। तो कहीं ना कहीं हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी पहले से जारी कर दी गई थी, ये बता दिया गया था किन किन रूट्स पे जो है ट्रैफिक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं, अभिभावक ऐसे हैं जो आज भी उनको इस दिक्कत का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं लोग डरे भी हुए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि ऐसा ना हो कि उनकी 10 मिनट की चूक की वजह से या 15 मिनट की ट्रैफिक की वजह से भी उनके बच्चों के पेपर पे इसका कोई असर पड़े। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए? मैं तो यही सेक्टर 20 नोएडा से ही हूँ, और किसानों का तो दिक्कत तो है ही, बहुत परेशानी है क्योंकि सारे बॉर्डर सील हो रही है और कूच कर रहे हैं, लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम होता है, दो दो तीन तीन घंटे फंस रहे हैं लोग, और इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि किसानों का जो भी है वो सरकार को बैठ करके इसमें बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान भी रोडों पर है, उनका भी भविष्य है, क्योंकि किसानों से ही अन्न आता है किसान, है कि नहीं? तो इस प्रकार से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, इसका समाधान निकलना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव होने का वो है, समय आ रहा है, उससे पहले इसका जो है निष्कर्ष निकल जाना चाहिए। आप मुझे बताइए आज आपको आने में अमूमन कितना वक्त लगा यहाँ पे इस सेंटर में, एग्जाम सेंटर में पहुंचने के लिए अपने बच्चे के साथ? नहीं, मैं तो यही सेक्टर 20 से हूँ, मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ट्रैफिक में जो है बदलाव है, ट्रैफिक बहुत है और दूर से जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग दूर से आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, आज लोगों में अच्छा खासा डर का माहौल था, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अच्छी खासी जो पेरेंट्स हैं उनकी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि पेरेंट्स को इस बात का भी डर है कि बच्चों को सुबह तो बड़ी ही मुश्किल से मशक्कत करके ट्रैफिक से जूझते हुए बच्चों को स्कूल में पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में ये भी है कि अब घर वापस पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अभी नहीं पता कि किन कौन कौन से जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, कितना ज्यादा और ट्रैफिक मिल सकता है, तो इसीलिए भी अभी पेरेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन रूट्स से बचा जाए जिन रूट्स में हैवी ट्रैफिक है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर आप बताइए मुझे कहाँ से आए हैं? सेक्टर 142 से आए हैं। तो सर आज आपको लगा कि आज आपको क्योंकि अपने बच्चे को एग्जाम था तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं आज आपको ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा मिला? हाँ, 8:40 में मैं निकला था, डर तो था कि कहीं लेट ना हो जाए, फिर मैं एक्सप्रेसवे का सहारा लेके कई जगह मिला था रेड लाइटों पे जाम, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वो फ्री हो गया, टाइम से आ गए थे हम।
जाएंगे, तो दिमाग में ये डर था कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे का एग्जाम ना छूट। काफी डर था, इसलिए हम रूट डाइवर्जन का भी वो देखे थे और ट्रैफिक रूल का भी पढ़े थे, न्यूज में भी देखे थे, तो उसको फॉलो करते हुए हम टाइम से घर से निकल चुके थे। तो बिल्कुल, अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये पता करना कि कौन कौन से रूट्स आपके लिए सेफ है, कौन कौन से रूट्स को पकड़ के आप सही टाइम पर स्कूल पहुंच सकते हैं, अपने बच्चों को एग्जाम है वो मिस ना होने दिया जाए। कुछ और लोग भी मौजूद है। सर आप बताइए मुझे, आप कहाँ से आए हैं? मैडम मैं दिल्ली से आया हूं, त्रिलोकपुरी से। तो आपको तो सर अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। 9 बजे से पहले निकला हूँ और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ, 10 बजे में 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ। मतलब 10 बजे बच्चे का एग्जाम था और आप सिर्फ 5 मिनट पहले पहुँचे। तो बहुत ट्रैफिक था, मैं तो घबरा रहा था कि एग्जाम छूट ना जाए, इतना इतना ज्यादा होपलेस हो रहा था कि कहीं बच्चे एग्जाम में छूट जाए, इसलिए मैडम बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक का बहुत दिक्कत है। तो आपको आज पता था कि आज, क्योंकि किसानों ने पहले बोल दिया था दिल्ली कूच करेंगे, तो आपको आपके दिमाग में था कि आज आपको ट्रैफिक मिल सकता है, ये आपने खबर पड़ी थी? इसलिए मैडम मैं 9 बजे से पहले निकला था, इसीलिए कि मैं सेंटर आराम से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मतलब 1 घंटा पहले आप अपने जगह से निकले, उसके बावजूद भी एग्जाम में सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचे, जबकि 9-10 किलोमीटर वहाँ से। मैं सोचा बहुत ज्यादा 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बहुत ज्यादा 15 मिनट पहुंचा, पर मैडम 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया मुझे यहाँ पहुँचने में। मतलब सोचिए, जो रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है, जो मतलब आपको घर से एग्जाम सेंटर में बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, उस 15 मिनट के रास्ते को सिर्फ आज कवर करने में, सिर्फ उस दूरी को तय करने में इन जनाब को पूरा 1 घंटा लगा। सर एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको कहीं ना कहीं बीच में ये दिमाग में आने लग गया था, डर आने लग गया था कि शायद आज मेरे बच्चे का एग्जाम छूट जाएगा? बिल्कुल डर गया था मैडम, बिल्कुल डर गया था कि कहीं लेट हो गया, 10 बजे के बाद तो होगा नहीं, बच्चों को एंट्री नहीं होगी, बहुत घबरा तो गया था मैडम, मैं होपलेस हो गया था कि किसी तरह पहुंचूं, यानी कि गाड़ी भी मैडम ना ऐसा हो रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इतना लेके आना जाना उसमें ना बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी मैडम। तो सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे बच्चों का एग्जाम ना छूटे, हमारे बच्चों का पेपर ना छूटे, इस वजह से अपनी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रिस्क ले रहे थे, स्पीड में चला रहे थे, कह रहे थे कि जान निकल रही थी, डर लग रहा था, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि चाहे ट्रैफिक हो, चाहे किसान हो, किसी की वजह से भी उनके बच्चों का जो भविष्य है सफर करके, उनका बच्चों का जो एग्जाम है वो मिस हो। इस वजह से पूरी कोशिश यही की हर अभिभावक ने, हर पेरेंट्स ने ये कोशिश की कि वो किसी भी तरह से वक्त पे पहुंच जा सके। तो कहीं ना कहीं किसानों की वजह से बच्चों का भविष्य भी सफर कर रहा है, उस पर असर आ रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब ये आंदोलन और कितना चलता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम, जिस तरह से बच्चे हैं उनको स्कूल आने में कितनी और दिक्कतें होती है, ये देखना, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पूनम अधिकारी के साथ कैमरा पर्सन कपिल, TV9 दिल्ली NCR।